आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे एबीपी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दो तीन दिन हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिन से भूखे प्यासे लगे थे, सभी गुरुजनों के साथ था, सभी छात्रों के साथ था, अंततः जीत हम लोगों की हुई। आप लोगों एबीपी न्यूज आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग रात दिन दोपहर आप लोग डटे थे। ये लाखों छात्रों की एकता की जीत है, ये मनमांगी मुराद मिल जाने की खुशी का जश्न है, ये हक के लिए लड़ाई में मिली कामयाबी की खुशी है जो इन छात्रों के चेहरों पर दिखाई दे रही है और इनके आवाजों में भी सुनाई दे रही है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है, चारों जो जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके ऊपर एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, जिससे अगली बार भी पेपर लीक करने से उन्हें डर रहे। दरअसल पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा है, आरजी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। बता दें कि यूपी पुलिस के सिपाही पद पर कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। अभ्यर्थी का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में भर्ती बोर्ड ने इंटरनल जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। एडीजी रैंक के अधिकारी इस जांच कमेटी को हेड कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड के पास अब तक तकरीबन 1500 शिकायतें अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल से भेजी गई हैं। इंटरनल समिति इन्हीं शिकायत की जाँच करके पता लगाएगी कि वाकई में एग्जाम से पहले पेपर लीक हुए थे या नहीं। लेकिन छात्रों के लिए राहत की बात है कि परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें दूसरी बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।